अभी यहाँ पर सभी प्रेम की बात कर रहे थे और मैं मानूंगा कि प्रेम सफल हो या ना हो, अगर इसके बीच में कोई एक बाधा आती है तो हमारे कर्तव्य बाधा आते हैं। क्योंकि मैं एक गाना सुन रहा था फिलहाल, कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊँ, तो उस गाने का भाव केवल एक यही है कि कुछ ऐसी हमारी मान्यताएँ होती हैं, कुछ हमारी सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने घर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, जिनके कारण हम अपने प्रेम को सफल नहीं कर पाते। यानी कर्तव्य और प्रेम दोनों एक सिक्कों के दो पहलू हो जाते हैं। या तो हम कर्तव्य को अपना मान लेते हैं या तो मोह को। तो इस गाथा में भी जो एक बहुत बड़ा किरदार मुझे दिखता है वो भगवान श्री कृष्ण का दिखता है, और उन्होंने इतना बढ़िया लिखा है, उनके जीवन से इतना बढ़िया सीखने को मिलता है। उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, आप लोगों का साथ चाहूंगा। वो राधा जी के साथ बात कर रहे होते हैं तो राधा जी उनसे प्रश्न पूछती हैं, क्या गोकुल छोड़ना जरूरी है, तुम यहाँ नहीं रह सकते? क्या गोकुल छोड़ना जरूरी है, तुम यहाँ नहीं रह सकते? अपनी लीलाओं और कलाओं को क्या यहाँ मेरे साथ नहीं कर सकते? क्या प्रेम हमारा जीवित रह पाएगा, तुम्हारे जाने का वियोग सह पाएगा? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या तुम यहाँ नहीं रह सकते? फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उससे आप कर्तव्य को समझ पाएंगे, और मैं आप सभी से सहयोग चाहूंगा इसके लिए। कि कुछ पल चुप रह के कृष्ण बोल उठे, कुछ पल चुप रह के कृष्ण बोल उठे, बोले प्रेम तो बहुत है पर क्या उद्देश्य भूल जाऊं? बोले प्रेम तो बहुत है पर क्या उद्देश्य भूल जाऊं? जिस निमित्त आया हूं वो भी मैं भूल जाऊं? राधा मैं ऋणी हूं तुम्हारे प्रेम का, राधा मैं ऋणी हूं तुम्हारे प्रेम का, उसे मैं भूल नहीं सकता। राधा मैं ऋणी हूं तुम्हारे प्रेम का, उसे मैं भूल नहीं सकता, पर बिना गोकुल छोड़े मैं कुछ नहीं कर सकता। कर्तव्य पथ पर विवश हूं पर प्रेम के वश में हूं, कर्तव्य पथ पर विवश हूं पर प्रेम के वश में हूं। तुम सदैव हृदय में हो, तुम सदैव हृदय में हो, तुम हम में नहीं मैं में हो। तुम सदैव हृदय में हो, तुम हम में नहीं मैं में हो। और दूसरी कविता मैंने माँ के ऊपर लिखी थी, मुझे मेरा ये मानना है कि अगर आज मैं ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें मेरी माँ का बहुत योगदान है, और जो थोड़ा बहुत लोग मेरे व्यवहार की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके पीछे भी मैं मानूंगा कि मेरी माँ का हाथ है। तो एक दिन मैं भोजन कर रहा था और अपनी माता जी को देखकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। कि भोजन कर रहा परिवार था या माँ का हम पर उपकार था, उनका निस्वार्थ परिश्रम हमारे लिए भगवान का उपहार था। है प्रश्न मैंने पूछ लिया, माँ क्या तुझे छुट्टी नहीं चाहिए? हमें हमेशा छुट्टी मिलती है अपने ऑफिसों से, अपने कार्यालयों से, संडे को हम छुट्टी पर रहते हैं, और लॉकडाउन में हमने लगभग 50 दिन छुट्टी मनाई। पर मैंने अपनी माँ से पूछा कि है प्रश्न मैंने पूछ लिया, माँ क्या तुझे छुट्टी नहीं चाहिए? अपने त्यागों और बलिदानों का कोई मूल्य नहीं चाहिए? अश्रु धारण कर नेत्र ही मेरी ओर मुड़ गए, माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि माँ एक ऐसी है कि हमारे मन में भावना आती है, माँ तो है, माँ है, हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हम अपनी प्रेमिकाओं के लिए लिखते हैं, अपने गुरुओं के लिए लिखते हैं, सबके लिए लिखते हैं, पर एक किरदार, जिस किरदार के कारण आज हम सभी यहाँ पर हैं, जो माँ है, हम उसके लिए नहीं लिखते। और जब आप उससे इस तरीके की बात करेंगे, उससे कभी आप जुड़िए, तो उसकी आंखों में जो भावना आएगी, उस भावना पर मैंने लिखा है कि अश्रु धारण कर नेत्र वहीं मेरी ओर मुड़ गए, कहना चाहते थे बहुत कुछ, स्नेहिल हाथ कह गए, बोली बेटा तुम्हारी खुशियाँ और खुशहाली चाहिए, बोली बेटा तुम्हारी खुशियाँ और खुशहाली चाहिए, बाकी एक क्या 100 जीवन भी मेरा न्यौछावर मानिए, ज्यादा कुछ नहीं बस इतना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं बस इतना चाहिए, माँ की ममता का कभी मोल नहीं होना चाहिए। और जीवन समर्पित सदा ही है ये, जीवन समर्पित सदा ही है ये, बस इस घर की खुशियाँ चाहिए, बस इस घर की खुशियाँ चाहिए। और आज जैसा कि किसी ने कहा कि आज गर्ल्स डे है, तो मैं थोड़ा सा उनके ऊपर बस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज जिस तरह की घटनाएं होती हैं समाज में, मुझे देखकर बड़ा दुख होता है, क्योंकि महिलाएं या नारी या लड़की, आप जिसे भी कहें, वो हमारे समाज का एक 50% पार्ट है, आधा हिस्सा है पूरा, और आप उन्हें हटाकर आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक वो सशक्त होकर आपके साथ कंधों से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, तब तक हम जिस स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं वो समाज हमें कभी नहीं मिलेगा। तो सुनिएगा, तुम एक का साथ पाने वो अपने घर को छोड़ आती है, तुम एक का साथ पाने वो अपने घर को छोड़ आती है, वो फूल है किसी के घर की
वो फूल है किसी के घर की, तुम्हारे घर को महकाती है, तुम्हारे घर की शान को वो अपना मान बनाती है, तुम्हारे घर की शान को वो अपना मान बनाती है। वो किसी की बेटी ही तो है जो घरों में रौनक लाती है, वो किसी की घरों की बेटी ही तो है जो घरों में रौनक लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।